अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ आसिफ अंसारी, वेलकम टू माय चैनल किरण फैशन। दोस्तों आज मेरा आपके लिए इंतहाई बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन बनाया। दोस्तों इस डिज़ाइन के लिए मैं आपको चैलेंज देता हूँ, यूट्यूब पे आपको ऐसा डिज़ाइन कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों इस डिज़ाइन के अंदर मैंने ये फ्रिल बनाई है कपड़े की, ये मैंने अपने हाथ से बनाया फ्रिल को, तैयार फ्रिल नहीं ली बाहर से। अब ये देखें, फ्रिल के नीचे पाइपिंग की तरह एक पट्टी भी आ रही है खूबसूरत से गुलाबी कलर की, और डबल कलर की फ्रिल बनाई है। ये देखें, बैक साइड से इसका ये गुलाबी बना रहा है अगर, और फ्रंट साइड से इसका ग्रीन बना रहा है। फिर ब्लू पट्टी लगाई है, फिर समोसे लगाएं। समोसों के ऊपर मैंने बटन से इसको अटैच करा है, बॉर्डर लगाया है, और ये हमने सीढ़ियाँ ये बनाई है अपनी, इसमें चकोर डब्बे खाने खिड़कियों के स्टाइल में बनाए। तो दोस्तों मैंने इसमें जो कलर यूज़ किए हैं वो मैंने कलर आपको मैं दिखाता हूँ। मेरा गला किस कलर का था, प्रिंटेड जो गले के ऊपर प्रिंट आ रहा था इसमें आ रहा था हमारा ये ब्लू कलर, हमने ब्लू कलर यूज़ किया। ठीक है, इसमें आ रहा था ये पिंक कलर, हमने पिंक कलर यूज़ किया। ब्लैक कलर आ रहा था, ब्लैक कलर यूज़ किया, और ग्रीन कलर की इसकी शलवार थी और ग्रीन कलर भी आ रहा है। तो मैंने इसके अंदर ये सब कलर यूज़ किए हैं। इसमें मैंने कोई लेस वगैरह नहीं ली बाहर से, कपड़े के बटन बनवाए हैं, और सब मैंने अपने इसको यूज़ बनाया है, कपड़े से ही बनाया है पूरा डिज़ाइन। तो दोस्तों ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की इंतहाई ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो देखते हैं। दोस्तों ये देखें, मैंने इतना सारा सामान कंप्लीट करके रखा हुआ है पहले से। ये मैंने समोसों के लिए पीस फाड़ के रखे हुए हैं, सही है, बुकरम चिपकाई हुई है इसके ऊपर। ये मैंने बॉर्डर वगैरह रखे हुए हैं, अपनी फ्रिल का कपड़ा रखा हुआ है, डबल कलर की मेरी फ्रिल बनेगी, और ये पट्टियाँ बनाई हुई हैं हमने, और ये बटन। तो हमने सारी चीज़ें रखी हुई है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाता हूँ। दोस्तों ये देखें, हमने ये कागज़ का पीस ले लिया, इनको मैंने लंबा दामन के हिसाब से निकाल लिया, जितना मेरा दामन है उस हिसाब से इसको निकाल लिया। अब हम इसके ऊपर खींचेंगे एक लाइन। ठीक है दोस्तों, एक लाइन यूँ खींची, एक यूँ खींची, डेढ़ इंच का स्केल है, चौड़ाई डेढ़ इंच की है। इसी तरीके से एक यूँ खींची, हम ये लाइन पूरी खींच लेंगे, फिर हम मशीन के ऊपर बैठ के पट्टियाँ लगाएंगे कि किस तरीके से पट्टियाँ लगाएंगे, पट्टियाँ कटिंग करेंगे हम इसकी चौड़ाई के हिसाब से, हर पट्टी को इस चौड़ाई के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। तो मैं लाइन खींच के आपको बताता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों ये देखें, हमारा दामन है 28 इंच का, तो हम इसके ऊपर यहाँ से एक निशान लगा रहे हैं और एक निशान यहाँ पर। तो इस 28 इंच के दरमियान के अंदर हमने पट्टियाँ लगानी है, ना इससे ज़्यादा लगानी है ना इससे कम। तो हमने ये निशान के हिसाब से लाइनें भी खींच दी। ठीक है, अच्छा अब दोस्तों हमने करना ये है, ये पट्टियाँ जो मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई, ये मशीन पे बनाना तो आसान है, आप लोगों ने ये बस देख लिया बना लेंगे, ये तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके अंदर बुकरम वगैरह कुछ भी मैंने यूज़ नहीं की, बस ये सिर्फ कपड़े की पट्टियाँ बनाई हैं, इसको इस हिसाब से कट करना है। अब ये दोनों ब्लैक और ये कलर की पट्टियाँ, दोनों पट्टियाँ हम इस लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा हम कटिंग कर लेंगे। तो हम ये सारी पट्टियाँ काटेंगे और फिर इसको हम मशीन से लगाएंगे। दोस्तों ये देखें, ये हमने अपनी सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं, अब हम इसको लगाएंगे मशीन के ऊपर। अच्छा दोस्तों, इस जगह पे वैसे ही मैं शॉर्ट करके दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि इस जगह पे मैं आपको अहम चीज़ सिखाऊंगा, क्योंकि वो सारा दारोमदार उसी डिज़ाइन के ऊपर है जो मैं आपको बताऊँगा। अब हमने एक के बाद एक पट्टी लगानी है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये सारी पट्टियाँ जोड़ लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है, आप वीडियो स्किप नहीं करना इस जगह पर। दोस्तों ये देखें, आप यहाँ तक लगाएंगे, अब सिलाई को निकालेंगे नहीं, अब हम यहाँ पे से इसको स्विंग में नीचे करेंगे, फिर इसको यूँ घुमाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर हम एक सिलाई इस तरीके से यूँ लगाएंगे। दोस्तों ये देखें, ये अब मैं इस सिलाई को यहाँ पे लाऊंगा, फिर इसको दोबारा घुमाऊंगा, आप क्या बोलते हैं इसको निकालना नहीं, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा पूरा डिज़ाइन टिकेगा। ठीक है दोस्तों, एक पट्टी थोड़ी हमारी ये कम हो गई थी गुलाबी वाली, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आपने दोबारा घुमाना है इस तरीके से, 3 बार दोस्तों ये सिलाइयाँ आपने कंप्लीट करनी है सेंटर के अंदर, क्योंकि ये हमारा सिलाई के ऊपर टिकेगा सारा दारोमदार हमारा इस डिज़ाइन का इस सिलाई के ऊपर है। अगर आपने एक सिलाई लगा दी वो खुल गई, कुछ भी हो गया, तो फिर वो सारी मेहनत आपकी हो जाएगी ज़ाया धुलने के बाद। तो आपने इस पर लगानी है 3 से 4 सिलाइयाँ, मैं 3 सिलाइयाँ लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अब ये देखें जो आपने ये जो स्केल का आपने 1.5 इंच के ऊपर निशान दिया था, इसके ऊपर आपने ये पट्टी को यूँ पकड़ना है, इसी सिलाई के ऊपर आपने इस तरीके से आना है। इस पट्टी को नीचे से उठा के इसको इस तरीके से आपने इस सिलाई के हिसाब से इसको लगा देना है। बेलेग वाली को हटा देंगे आप, ठीक है। फिर इस सिलाई को थोड़ा सा लगाने के बाद आपने फिर इसको उठाना है और यूँ करके इसको यूँ करना है। बेलेग वाली को आप उस तरफ करेंगे और ये पिंक वाली आप इस तरफ करेंगे। दोस्तों ये देखें हमने पट्टियाँ लगा ली हैं और सिलाइयाँ भी लगा ली हैं। अब हम इसका एक्स्ट्रा जो पीस है इसको काट देंगे, ठीक है दोस्तों। ये एक्स्ट्रा पीस हम इस सिलाई के हिसाब से कैसे इसको दोनों साइडों से कटिंग कर लेंगे। ये तो मैं बाद में कटिंग करूँगा, आपको मैं अभी बताता हूँ अगला स्टेप क्या करना है। दोस्तों ये देखें ये हमारी कमीज़ की कटिंग हुई हुई है, फ्रंट बैग मैंने काट के रखे हैं पहले से, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपने ये दामन है इसका, आपने फ्रंट का दामन जो है 5.5 इंच छोटा करना है, ठीक है, जिसमें हमारा पूरा डिज़ाइन बनेगा बैग के दामन से। तो 5.5 इंच के ऊपर आपने निशान उठाना है और ये लाइन खींचनी है और इसको आपने बैग के दामन के हिसाब से छोटा कर देना है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा दामन फ्रंट का छोटा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, हमारा ये जो पट्टा है इसको हमने खोल के रखना ही हो इस तरीके से, ठीक है। अब इसको उल्टा और इसका इस तरीके से सेंटर ले लेंगे आप। ये आपका ये सेंटर है कमीज़ का और इसके सेंटर के ऊपर मैंने खुद का लगाया हुआ, इन दोनों को मिला देंगे इन दोनों सेंटरों को, ठीक है। और ये आप यूँ इस तरीके से आप इसको यूँ रखेंगे, देखेंगे दामन बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब आप इसको UHU से सेट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। दोस्तों मैंने इसको UHU से सेट कर लिया है, अब ये जब हम पढ़ लेंगे तो सीधी तरफ चले जाएगा। ये मैंने ब्लू पट्टी पहले से बना के तैयार करके रखी हुई है, हल्की हल्की बुकरम चिपकाई हुई है इसके ऊपर और ये है 1/4 इंच की मैंने पहले से तैयार करी हुई। इसको भी आप UHU से इस पर सेट कर लेंगे, हल्की हल्की UHU लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। बाद में हम इस पर लगा लेंगे सिलाई, मैं सिलाई लगा के भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि सिलाई से किस तरीके से बैठाएंगे। UHU से मैं इसलिए सेट कर रहा हूँ ताकि दोस्तों ये आपको तंग नहीं करे, इधर उधर भागे नहीं। दोस्तों एक पट्टी मैंने ब्लू कलर की बनाई हुई है जो बढ़ती हुई है, ये आएगी बढ़ती हुई। इसको इस तरीके से मैंने UHU चिपकाई, फिर मैंने इसको यहाँ से यूँ फोल्ड करा, अब मैंने यूँ फोल्ड कर लिया। अब हम इसमें लगाएंगे हल्की हल्की UHU और इसको भी हम बढ़ते हुए इस पर सेट कर लेंगे। पहले हम इस तरफ लगाएंगे हल्की हल्की UHU और इसको इसके अंदर डालेंगे और फिर इसके इस तरफ भी UHU लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको पूरे बॉर्डर को हम UHU से सेट कर लेंगे। दोस्तों ये देखें आप इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इस पर पूरी पट्टी के ऊपर, ठीक है। मैं सिलाई लगा के बताता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों ये देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली, अब हम इसको यूँ पकड़ के यूँ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे सीधी तरफ ये डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस पर लगा देंगे सेकंड सिलाई, ये देखें मैं इस पर सेकेंड सिलाई लगा रहा हूँ और हमारी ये सारा कचरा पीछे छुप जाएगा, उसका मैं दिखाता हूँ थोड़ी सिलाई ज़्यादा करके आप लोगों को। ये देखें पीछे की तरफ सारा जोड़ जो है सब अंदर चला गया बॉर्डर के, ठीक है दोस्तों। इस पर सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, मैं ये करके आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों ये देखें ये डिज़ाइन हमारा इसका कंप्लीट हो गया। अब हमने बनानी है फ्रिल, फ्रिल के लिए मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है दोस्तों, ठीक है। और इस कपड़े को दोनों को मिला के हम इन कपड़ों को फ्रिल बनाएंगे, तो मैं आपको मशीन में बैठ के फ्रिल बनाने का तरीका बताता हूँ कि पहले इन दोनों को किस तरीके से जोड़ना है। दोस्तों ये मैंने पट्टी ली है 2.5 इंच की और ये पट्टी भी मैंने ली है 2.5 इंच की। अब इन दोनों पट्टियों को आपस में मिला के जोड़ देंगे, ठीक है। एक बुट की सिलाई लगेंगे और उनको मिला के जोड़ देंगे। अब मैं ये पट्टियाँ जोड़ के आपको बताता हूँ कि फ्रिल किस तरीके से बनानी है। दोस्तों ये देखें मैंने ये जोड़ लिया, अब इनके इसके जोड़ के हम इस तरीके से बिठा लेंगे, पूरी इस पट्टी के जोड़ पे हम इस तरीके मार के इसको बिठा देंगे, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कि फ्रिल किस तरीके से बनेगी हमारी। इसको पहले हम यूँ बिठा लें पूरी पट्टी को। दोस्तों ये देखें हम इसको इस तरीके से बिठाएंगे कि गुलाबी वाला ना हल्का सा नज़र आए,
क्योंकि ग्रीन वाला हमारा ऊपर आएगा और गुलाबी वाला जो है ना वो बिल्कुल हल्का सा पीछे से नज़र आएगा फिलिंग के अंदर। तो हम इसको इस तरीके से बिठा लेंगे कि जैसे हमारी पाइपिंग लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। हल्का हल्का हमारा गुलाबी वाला भी दिखना चाहिए। अब मैं इस पट्टी को पूरा कंप्लीट करके आपको फिर दिखाता हूँ कि क्या करना है। दोस्तों ये देखिए मैंने पट्टी जो तैयार की थी, काफ़ी लंबी पट्टी है, वो मैंने इसको सेंटर लगा दिया फ्रील की पट्टी, ठीक है दोस्तों। ये सेंटर का खुटका लगा दिया मैंने। अब इसके हिसाब से आपने 2 इंच इसको एक निशान लगाना है और इसको यूँ करना है सेंटर की तरफ और इसके ऊपर लगानी है इस तरीके, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपने इस तरफ वाली भी सारी प्लेट इस तरफ से यूँ ही बिठानी है और इस पर लगानी है आपने UHU। अब मैं सारी प्लेटें भी दोस्तों बिठाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ फिर किस तरीके से करना है अगला स्टेप, ठीक है दोस्तों। वीडियो आप देखते रहना। दोस्तों ये देखें इस रुख की मैंने प्लेटें बिठा दी हैं अपनी फिलिंग की और मैंने ये रखा है 14 इंच का, मेरा दामन जितना है उसी हिसाब से। तो 14 और 14 28 इंच का मेरा दामन है, तो मैंने इसको 14 इंच का इस तरफ से तैयार कर लिया। अब इस तरफ से तैयार करेंगे, 2 इंच का निशान पहले लगाया था, अब फिर 2 इंच का निशान लगाएंगे, इसको यूँ बिठाएंगे, यूँ पकड़ेंगे, 1 इंच की हमारी प्लेट तैयार हो जाएगी। इस पर लगाएंगे हम इस तरी और फिर हम इस पर लगाएंगे अपनी UHU, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी UHU यूज़ करेंगे ताकि हमारी प्लेटें खुले नहीं। फिर अब हम दोस्तों ये देखें, अब गौर से देखें इसको, जो प्लेट का एंड है टूटी तरफ से उस एंड से हम इसको उठाएंगे 2 इंच का, ठीक है। फिर हम इस प्लेट को यूँ बिठा देंगे इस तरीके से, इसी मेथड पे हम सारी वो प्लेटें तैयार कर लेंगे अपनी, ठीक है दोस्तों। मैं ये फिजिल तैयार करके आपको बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों ये देखें हमने ये अपनी फिजिल तैयार कर ली है। अब हम इसके ऊपर देंगे इस तरह एक फिनिशिंग पट्टी। मैं फिनिशिंग पट्टी मशीन पे लगा के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से लगाना है। दोस्तों ये डेढ़ी चौड़ी पट्टी ले लें आप और इसको इसके ऊपर यूँ रखें डेढ़ी चौड़ी पट्टी को और इस पर एक बूट की सिलाई लगा दें, ठीक है। इसको पूरी का सिलाई कम्प्लीट करके मैं बताता हूँ फिर इसको किस तरीके से फोल्ड करना है। दोस्तों ये देखें ये सिलाई लगा दी। अब आप इसको यूँ इस तरीके से पकड़ें, इसको फोल्ड करें और इस पर एक सिलाई और लगा दें, ठीक है दोस्तों। ये सिलाई कंप्लीट करता हूँ मैं आपको, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगला स्टेप क्या उठाना है। दोस्तों ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई। अब हमने बनाने 2 कलर के समोसे, तो ये मैंने पट्टियाँ लेके रखी हुई हैं और इससे बुकरम भी चिपकाई हुई है अपनी हल्की वाली। ये मैंने 3 इंच की पट्टी ली है, आपने इसको यूँ करना है, फोल्ड करना है एक तरफ से, इस तरह लगानी है, सेकेंड तरफ से भी फोल्ड करना है, फिर इस तरह लगानी है और इसको कैंची से यहाँ से कट कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपने सारे समोसे तैयार करना है, 15 समोसे तैयार करने, क्योंकि मैंने 15 बटन बनवाए तो मैं 15 समोसे लगाऊंगा। अब मैं आपको ये सारे समोसे बना के आपको बताता हूँ क्या करना है अगला स्टेप। दोस्तों ये देखें हमने फिलिंग के और दामन की चौड़ाई थी उसके हिसाब से हमने समोसे इसमें चिपका दिए हैं। समोसे मैंने इस मेथड पर चिपकाए जो हमारी बॉर्डर था, इस बॉर्डर के हिसाब से मैंने इस लाइन से पूरे समोसे चिपका दिए हैं। ये देखें मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ, ये हमारा जो पतला सा बॉर्डर था, एक बूट से थोड़ा सा ज़्यादा ही है बॉर्डर, तो इस बॉर्डर के हिसाब से मैंने समोसे चिपकाएं। अब हमने हमारी लगेगी इस तरफ सिलाई ये बॉर्डर के किनारे पे, तो हमारे ये समोसे सिलाई से एडजस्ट हो जाएंगे, फिर बटनों से हम उस पर एडजस्ट करेंगे अपनी कमीज के दामन के ऊपर। अब मैं इस पर पहले सिलाई लगा लूँ फिर बटनों से एडजस्ट करके दिखाता हूँ कि हमारा दामन लग के सला है। दोस्तों ये देखें हमने अपने ये समोसों को इस पट्टी के ऊपर हल्का हल्का सा अटैच करना है सबसे पहले, फिर हम इसके ऊपर बटनों से इसको अटैच करेंगे। तो दोस्तों ये देखें आप इसको सेट कर लिया आपने, फिर हल्की सी UHU इस इधर लगाई आपने, फिर इसको इस पर सूखने के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये इसकी सेटिंग आउट हो जाएगी। अगर हम इसको डायरेक्ट बटन लगाना शुरू कर देंगे तो फिर ये आगे पीछे हो जाएंगे और इसकी सारी सेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो आप हल्का हल्का सा UHU लगा के इसको छोड़ दें सूखने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर आप इस पर बटन लगाइएगा। दोस्तों ये देखें अभी इसको आराम से उठाएँ, फिर आप इसके नीचे से इसमें से धागा निकालें और थोड़ा पक्का करके लगाइए, क्योंकि ये बटनों पर टंगेगा पूरा डिज़ाइन आपका। अब आपने इसकी नोक के ऊपर अपने ये बटन लगाना है इस तरीके से। दोस्तों आप अपने सारे बटन पूरे कर दीजिए, मगर इसको 2-2 बार घुमाइएगा, क्योंकि सारा आपका डिज़ाइन ही बटनों पर टंगना है, ठीक है दोस्तों। एक बार टांगा घुमा दिया,
फिर दोबारा घुमाएं इसको यूँ करके। इस तरीके से आप इसके सारे बटन कंप्लीट कर लें। मैं सारे बटन कंप्लीट करके आपको अपना डिज़ाइन दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये देखें, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। मैंने बटन लगा दिए हैं इसके ऊपर, अब हम इसके कागज़ को फाड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना वीडियो को, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो दोस्तों ये देखें, मैं थोड़ा सा और कागज़ फाड़ के आपको दिखाता हूँ कि डिज़ाइन लग कैसा रहा है। इसको मैं बाद में सही से साफ कर दूँगा, मगर अभी वीडियो लंबी नहीं हुई इसलिए जल्दी जल्दी फाड़ के आपको मैं दिखा रहा हूँ आगे से कैसा लगेगा। दोस्तों बहुत प्यारा डिज़ाइन बना है और बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी बनाएं, ट्राई करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।